अरे यार क्या कर रहा है यार पागल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं राइड शुभम। दोस्तों आज हम लेतलुम केलियन से निकल के अभी जा रहे हैं डाउकी की तरफ। डाउकी जाने से पहले रिवाई विलेज पे एक बहुत ही पुराना लिविंग रूट ब्रिज है, तो दोस्तों मैं आज आपको वही लेके जाने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो का मजा लीजिए और जुड़े रहे मेरे साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमको अभी घूमते घूमते सारे मौसम मिल रहे हैं। 10 मिनट पहले गर्मी लग रही थी, अभी हो रहा है, आप देख सकते हैं ये बादल है। और फिर से 10 मिनट जाएंगे तो फिर से गर्मी लगेगी और बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे मौसम देखने को मिल रहे हैं, मतलब आप एक घंटे में चार मौसम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो उसका मज़ा भी बहुत आ रहा है। क्यों बंदे लोग सारे डाउन क्यों सारे डाउन है भाई? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और फुटेज देख रहे हो ना कितना कमाल का है। तो दोस्तों अभी हम हैं रिवाय विलेज पे और यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और भैया कहीं पर उधर बैठे हुए हैं, चिल मार रहे हैं। और हम जा रहे हैं दोस्तों, एक ब्रिज है यहाँ पर जो नेचुरली बना है, तो उसको ही देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो एक ये रास्ता है वही लेके जाएगा हमें हमारे ब्रिज तक। तो बंदे हमारे सामने ही है। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे दुकान आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप पानी खरीद सकते हो, खाना खरीद सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैकिंग तो है यहाँ पर, तो अगर आपके पास एक पानी का बोतल है तो बहुत अच्छा होता है। भाई एक पानी का बोतल ले लो, 1 लीटर वाला।
मैं अभी जिस ब्रिज पे आपको लेके जाने वाला हूँ वो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसे खासी हिल्स के लोकल लोगों ने ही बनाया है इजीली नदी के इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचने के लिए। पीछे देख सकते हैं वहां से बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है और यहां से आपको टिकट मिल जाएंगे। ये भाई लोग बैठे हैं तो 40 रुपए है पर पर्सन, तो यहां से आप टिकट ले लीजिए, उसके बाद आप ये रोड पकड़ के चले जाइए। रियली शॉर्ट और मेन रोड से हमको 10 मिनट ही लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी ये देख सकते हैं। और जो पानी का शोर हो रहा है वो यहाँ से, एक छोटा सा वाटरफॉल भी है दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है भाई, ये पूरा नेचुरल है। हम जो ब्रिजेस बनाते हैं वो धीरे धीरे वीक होता है, लेकिन ये जो ब्रिजेस है ना ये धीरे धीरे और स्ट्रांग होते जाते हैं। और ये रूट्स देखो भाई, ये रूट्स देखो कितने बड़े हैं भाई। ओ भाई, और यहाँ से वाटरफॉल भी है छोटा सा। और भाई साहब ये देखो, ये देखो, ये ब्रिज देखो भाई कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये ब्रिज, कितना ही बड़ा है ये। और मज़ा बहुत आ रहा है। और यहाँ पर देखो कितनी खूबसूरत तितलियाँ है यहाँ पर, ये देखो ये देखो किधर से गए भाई तुम। और अच्छे फोटो के तलाश में हम जा रहे हैं बहुत ही अंदर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना इसको। ये इतना खूबसूरत है, ये देखो ये पेड़ गिरा हुआ है ऐसे, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ओ भाई ये देखो एक स्विमिंग पूल है, छोटा सा स्विमिंग पूल है भाई, और यहाँ से भी दिखता है ब्रिज एकदम सामने ही है। पहले यहाँ के लोकल खासी लोगों ने इस थिलोंग रिवर के दोनों साइड पे ही रबर के जो पेड़ है वो लगा दिए हैं। उसके बाद पत्थर और मिट्टी के सहारे से यहाँ पर एक 35 फुट लंबा ये ब्रिज जो है उसको बना दिया है। एक बार इन ब्रिजेस को बनाने के लिए 10 से 15 साल का समय लगता है, उसके बाद ये 500 साल तक ये ब्रिज टिका रहता है। और एक बार अच्छे तरीके से बन जाने के बाद ये 500 लोगों की वजन को आसानी से झेल लेता है। और दोस्तों हमने थोड़ा सा ट्रैकिंग करके आए हैं, वहाँ तक गए हैं जितना जा सकते थे, मैंने उतना गया। तो अभी टाइम है इस खूबसूरत से ब्रिज को और ये खूबसूरत से नेचर के इस जगह को अलविदा कहने का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।